हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पर प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम सब ये डिस्कस करते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जाना चाहिए, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस और कहाँ पे हमें एंट्री करना चाहिए, क्या व्यू रह सकता है। और उसके लिए मैं डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूँ। और पिछले दो दिनों से मैं नहीं कर पाया बिकॉज कुछ काम की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका और कुछ टेक्निकल इशू भी था, बट अब कंटिन्यू होना है तो फिर से आप हम देखेंगे किस तरीके से रहेंगे। इसके पहले का जो मेरा व्यू था, थोड़ा सा रसिया का न्यूज आया था तो वहाँ पे मैंने आपसे एक बार बताया था कि एक बार प्रॉफिट बुक करिए और थोड़ा सा मार्केट से थोड़ा सा दूर रहिए। लेकिन पिछले दो दिनों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई और निफ्टी ने नया हाई भी लगा दिया और अच्छा खासा ट्रेड बना। तो आई होप कि आप लोगों ने अगर वहाँ पे ट्रेड किया होगा बुल साइड तो आप अच्छे रहोगे। मेरा जो बेयर वाला रूल था वो थोड़ा सा वहाँ पे उल्टा पड़ गया, बट देखो न्यूज अगर होगी तो हमें थोड़ा सा अपने व्यू को चेंज करना पड़ता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, मैंने आपको ये भी बताया है कि आप अपने व्यू को चेंज कैसे करोगे। तो पहला तो हो गया, जब न्यूज नेगेटिव हुई तो हमें न्यूज अपना व्यूज चेंज करना था, लेकिन अगर फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, तो हम डेटा देखेंगे। और मैंने आपको डेटा देखना सिखाया है, मैं हर बार आपको डेटा देखना सिखाता हूं और आप यहां पे अगर मुझे कंटिन्यू फॉलो करो तो आपको पता होगा कि अगर डेटा बुलिश हो जाए तो हमें फिर से अपना व्यू चेंज कर देना है। मैं वीडियो नहीं बना सका वरना आपको मैं वहां पे क्लियर जरूर कर देता, बट आई होप कि आप मुझे अगर काफी दिनों से फॉलो कर रहे होगे तो मैंने आपको अपना पूरा लॉजिक दे रखा है कि कैसे मार्केट बुलिश होता है, कैसे मार्केट बेरिश होता है, कैसे अपना व्यू चेंज करना है। और आप अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हो तो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ओके चलिए, खैर हम देखते हैं आगे हम क्या कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मार्केट बुलिश हो गया, नया हाई लगा दिया है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को कांग्रेचुलेशन। अच्छा, क्या नई रैली, नया मार्केट ने हाई लगा दिया तो क्या आप इसका बेनिफिट ले सके? अगर आप नहीं ले सके तो ये थोड़ी सी दुख वाली बात है, लेकिन अगर ले सके तो अच्छी बात है। अब देखो, हमने यहाँ पे पहले ही डिस्कस किया था 31 मार्च को, ये बताया था आपको कि मार्केट अब बुलिश है और हमें सिर्फ बाई साइड ही ट्रेड करना है। ओके, यहाँ पे क्लियरली हमारा प्लान था, मार्केट हमारा बुलिश हो चुका है और हमें बाई साइड ही ट्रेड करना है। और 31 मार्च का ये वीडियो आई थिंक कहाँ पे है देखना पड़ेगा, काफी नीचे चला गया होगा, ये देखिए ये, तो ये इसमें क्लियर कट था कि भाई मार्केट हमें बुलिश, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो देखो टाइम वाइज मैं डायरेक्शन आपको हमेशा देते रहता हूँ। ओके चलिए, तो अब हम देखते हैं कि कल के लिए फिलहाल क्या करेंगे, उसके लिए तो बहुत ज्यादा दूर की जाने की जरूरत नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि कल के लिए हमें करना क्या है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आपके सामने 5 मिनट का चार्ट ओपन कर रहा हूँ कैश मार्केट का। अब इसमें सबसे पहले तो ये देखो कि मार्केट हमारा बुलिश है, ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन अभी यहाँ लास्ट में प्राइस एक्शन क्या बना, तो यहाँ पे जो लास्ट में प्राइस एक्शन बना है वो बना है बेयरिश प्राइस एक्शन। ओके क्यों? क्योंकि आप अगर देखो यहाँ पे आपका हो गया, ये बार बार आ जाता है, इसका क्या मुसीबत है, ओके यहाँ पे एक आ गया आपका, उसके बाद ये आपका ऊपर और ये आपका देखो यहाँ पे राइट शोल्डर, तो ये बेसिकली नेगेटिव चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे इसका सपोर्ट भी तोड़ करके नीचे जा करके फिर ऊपर जाए, तो यहाँ पे फिर से देखो ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एक बार नेगेटिव हुआ था लेकिन फिर से ऊपर चला गया, तो अभी भी ये नेगेटिव जोन में ही है। अब दूसरा कंफर्मेशन यहाँ पे देखो, ये वॉल्यूम, तो इतनी बड़ी वॉल्यूम है तो दैट मीन्स यहाँ पे जो पोजिशन बनी थी वो कैरी फॉरवर्ड करी गई है और फ्रेश पोजिशन भी बनाई गई है। तो इससे इससे हम समझेंगे क्या, अजम्पशन हमारा ये होगा कि अगले दिन भी हमें बड़ी बड़ी मूवमेंट्स मिल सकती हैं, चाहे वो बड़ी साइड ऊपर साइड हो चाहे नीचे साइड हो, हमें ये पता चलता है कि बड़ी मूवमेंट्स हमें मिल सकती है, मतलब कि मार्केट हमारा वोलेटाइल रहेगा, ये बात याद रखो। ओके तो अब हम ट्रेड कहाँ पे करेंगे वो समझ लेते हैं। तो बट उसके पहले आपको मेरा फॉरवर्ड पता है, सबसे पहले डेटा। तो अगर मैं डेटा आपके साथ डिस्कस करूं तो अभी का जो पीसीआर है वो 1.38 है, दैट मीन्स बुलिश। ओके और यहाँ पे अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस जो हमारे साथ बैठा है वो 19,000 का रेजिस्टेंस बैठा है, 19,000 का रेजिस्टेंस जो है हमारा। और अगर मैं देखो, अच्छा बाय द वे ये बैंक निफ्टी की एक्सपायरी चेंज नहीं हुई है, ये रूल अपने उन्होंने चेंज कर दिया है, 7 जुलाई को जो मतलब फ्राइडे को एक्सपायरी होने वाली थी उसको चेंज कर दिया, तो अभी थर्सडे से ही रहेगा, तो आप थर्सडे ही मान के चलो बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। अब यहाँ पे जो हमारा मुझे चेंज करना पड़ेगा 28 जून को 6 जुलाई। ओके 6 जुलाई, अब 6 जुलाई को अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो मेरे पास सपोर्ट क्या है, मेरे पास सपोर्ट है 19,000 का और मेरे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है 18,900 का, तो 18,900 तो उसके नीचे तो नहीं जाएगा और अभी आई थिंक 90,000 के नीचे है और वहां पे रेजिस्टेंस भी है वहीं पे। तो हमें कल क्या देखना है, हमें कल ये देखना है कि अगर कल मार्केट 19,000 के ऊपर खुल जाए और खुलने के टाइम पे पुट का ओआई बढ़ने लगे और कॉल का ओआई घटने लगे तो हम ये समझेंगे कि मार्केट और ऊपर जा सकता है।
लेकिन अगर कल मार्केट 19,000 के नीचे खुल जाए यानी निफ्टी, और पुट का ओआई घटने तथा कॉल का ओआई बढ़ने लग जाए या फिर कॉल का ओआई बढ़ने लग जाए, तो हम ये समझेंगे कि हमारा मार्केट और नीचे जा सकता है। लेकिन कहां तक? 18,900 तक। और अगर 18,900 के पास जाते जाते 20-25 पॉइंट रहते हुए वहां पे पुट का ओआई भी कम हो रहा है, तब हम समझेंगे कि मार्केट हमारा 18,900 के नीचे भी चला जाएगा। लेकिन अगर नीचे जाते जाते पुट का ओआई बढ़ने लगे 18,900 वाला, तो हम समझेंगे कि मार्केट वहां से घूम सकता है, रिवर्स हो सकता है। तो ये पूरी साइकोलॉजी आप इसको याद रखो। और अभी का जो पीसीआर है वो 1.41 है, तो मैं इसको बुलिश मानता हूं, बट ये ओवरबॉट है। ओके, 1.4 का जो मेरा पर्सनल रेशियो वो ओवरबॉट का होता है, बट देखेंगे कल कैसी पोजीशंस बन सकती है। तो ये हमने डेटा देख लिया। तो डेटा क्या है? ओवरऑल बुलिश है, बट डेटा में होने वाले चेंज को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके हिसाब से प्राइस में हम ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको सामने चार्ट डिस्कस करूँ, देखो फर्दर अपमूव कब आएगा। सो फर्दर अपमूव जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक बुलिश नहीं होगा। सो इसके ऊपर जाकर के क्लोज होना जरूरी है, और क्लोज होने के बाद जब फिर दोबारा जाएगा तब हम बाई करेंगे। ओके, तो अब हम ट्रेड कैसे करेंगे? ये जैसे कल अगर गैप अप हो गया, इसके ऊपर अगर गैप अप हो गया, तो इसके ऊपर जाने दो, फिर नीचे आने दो, फिर जब इसका बुलिशनेस हो, मतलब फिर से बुलिश होकर के ब्रेकआउट देगा, तब हम बाई करेंगे। ये मेरा प्राइस याद रखो। दूसरा टॉपिक, इसके ऊपर कहीं भी, ये जो है 18,939 का, इसके ऊपर यानी ये इसके और इसके बीच में कहीं पे भी ओपन हो जाए अगर मार्केट, और वो आपको बुलिश का सिग्नल दे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बुलिश कैंडल बनाए, तो आप उसी कैंडल का लो मान करके टारगेट आप ऊपर की तरफ, पहला वाला, दूसरा वाला टारगेट और ऊपर आप लेके चलोगे, तो आप ऊपर की साइड करोगे। बट वहां पे आपको कॉल का ओआई भी देखना है कि कॉल का ओआई कम हो रहा है कि नहीं, यानी कि 19,000 का अगर कम नहीं हो रहा है तो दैट मींस वहां पे रेजिस्टेंस ले लेगा मार्केट। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे सिंपली अगर इसके ऊपर होना था तो कोई भी बुलिश सिग्नल मिलने पर हम बाई करेंगे और ऊपर की तरफ चलेंगे। लेकिन सेल कैसे करेंगे? तो सेल हम करेंगे, हमारा जो सेल का लेवल होगा वो होगा 18,930 का, मान लो 930 यहां पर मैं दे देता हूं, थोड़ा सा नीचे। अब बोलोगे सर जी टेक्निकली सपोर्ट तो यहां पे है, लेकिन आप 930 क्यों दे रहे हो? क्योंकि यहां पे आकर के घूमने का चांस है। ओके, क्योंकि यहां पे देखो ऊपर गया, सपोर्ट लिया और फिर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाए, तो अगर ये तोड़ेगा इसके नीचे जाएगा 930 के, तभी सेलिंग आएगी। तो अगर इसके नीचे मार्केट गया तो यूं समझो कि आपको सेल करना है, और सेल कैसे करना है? नीचे जाने देना है, फिर ऊपर जब आएगा तब हमें शॉर्ट करना है। तो पहला टारगेट हमारा नीचे की तरफ ये वाला हो जाएगा 860 का, लेकिन इस केस में आपको 18,900 का पुट का ओआई भी देखना है, वो कम होना चाहिए। तो ये मैंने निफ्टी का आपको सेटअप बता दिया। अब बैंक निफ्टी का डेटा देखें अगर, सो बैंक निफ्टी का जैसा कि मैं फिर से कर रहा हूँ, एक्सपायरी अभी भी आपकी गुरुवार को ही है, शुक्रवार को एक्सपायरी नहीं होगी, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। बैंक निफ्टी में अभी भी पीसीआर अच्छा खासा है, तो यहाँ पे चांस है कि बुलिशनेस कुछ हो सकती है। ओके, तो 1.15 का पीसीआर है, वैसे भी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर आ चुका है, तो अभी थोड़ा कुछ दिनों के लिए बैंक निफ्टी बुलिश ही रहेगी। बट यहाँ पे हम देखें, हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा है? 44,300, और हम वहां से 90 पॉइंट्स ऊपर भी है, सॉरी ये मुझे जुलाई ये करनी पड़ेगी, यहाँ पे देखिए, तो 44,500, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो 44,500 का है, और हम उसी के लगभग पास है 100 पॉइंट 150 पॉइंट। लेकिन अब हम देखेंगे क्या सपोर्ट, अगर देखें तो 44,000 का सपोर्ट है, ये थोड़ा दूर का है, नजदीक अगर मैं देखूं तो 44,200 का सपोर्ट है। सो कल अगर मार्केट हमारा 44,400 के ऊपर ओपन हो जाए, 44,400 दैट इज राउंड फिगर, अगर इसके ऊपर यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन हो जाए, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पुट का ओआई बढ़ रहा है कि नहीं। जैसे कि 44,400 का भी, 300 का भी और 200 का भी पुट का ओआई बढ़ रहा है कि नहीं। कॉल के वाई की घटने की जरूरत नहीं है, बट पुट का वाई बढ़ना चाहिए, और अगर बढ़ेगा तो हम ये समझेंगे कि मार्केट हमारा और ऊपर जा सकता है, यानी बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकती है, और वहां पे अगर कोई टेक्निकल लेवल होगा तो वो और अच्छी बात है। इसमें वही सेम सेटअप है, यहां पे साइडवेज होने के बाद। ओके, और इसके आगे अगर नीचे जाएगा, नीचे जाने लगेगा तो हम क्या देखेंगे? तो अगर यहां से नीचे जाने लगेगा, बट नीचे कैसे? 44,300 के नीचे, उसके पहले नहीं, अगर 44,300 के नीचे जाने लगेगा, और तब हमें देखना है 44,300 और 400 और 500 का कॉल का ओआई और बढ़ेगा, तब हम समझेंगे कि नीचे और जा सकता है। ये चीज आप याद रखो। ओके, सो नीचे जाने के लिए कॉल का ओआई बढ़ने का होना चाहिए, और ऊपर जाने के लिए पुट का ओआई बढ़ना चाहिए। फिलहाल जो आपका पीसीआर है वो बुलिश है, सो बाय द डिप। ओके, ये बुलिश है, सो बाय द डिप। अब हम देखते हैं कि कैसे, बट यहाँ पे चार्ट में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है। ओके, तो चार्ट में स्ट्रक्चर देखिए आप कैसे, जो बैंक निफ्टी वो फर्दर बेरिश तभी होगा जब तक ये नहीं टूटेगा।
जब तक ये लेवल जो होगा, ये 44,160 का 70 का लेवल है, जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक आप समझो कि आपका स्ट्रॉन्ग उसमें नेगेटिवनेस नहीं आने वाली है। अब बोलो कि सर जी कॉल तो इसके नीचे आप कॉल का ओआई देख करके छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हो 100-150 पॉइंट का, बट फर्दर बेरिशनेस तब आएगी जब तक मार्केट 44,170 के नीचे नहीं जाएगा, यानी बैंक निफ्टी। अब हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। सो ट्रेड हम करेंगे अगर हमारा कल मार्केट इसके ऊपर खुलना खुल गया, ये की है आपका 44,237, तो 40 ले लो, 42,240। अगर 42,240 पे कोई भी एक रिवर्सल का सिग्नल मिला, उसके ऊपर ओपन हुआ, यहाँ पे आकर के कोई भी एक रिवर्सल का सिग्नल मिला, तो आप बाई करोगे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 207 का, यानी 200 का मान लो, तो 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका पहला टारगेट होगा सीधे सीधे 44,400 का। ओके, ये पहला पॉइंट है। और अगर कल मार्केट इसके ऊपर ओपन होकर के ऊपर जाने लगा, तो हम ऊपर जाने का वेट करेंगे इसके ऊपर, जो कि है हमारा 44,430 के ऊपर निकलेगा तभी हम बाई करेंगे, तो स्टॉप लॉस जो हमारा होगा थोड़ा सा नीचे वाला होगा, यानी 370 के आसपास का होगा स्टॉप लॉस। नहीं, ये तो स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो जो ये इस लाइन को जो ब्रेकआउट देगी एक कैंडल, उसी का लो स्टॉप लॉस आप मान के चलो। ओके, उसी का लो, ये लाइन को जो ब्रेक करेगी कैंडल उसी का लो स्टॉप लॉस, और फिर आपका पहला टारगेट नजदीक हो जाएगा, और अगर ऊपर निकलेगा तो दूसरा टारगेट आपको हो जाएगा। ओके, एक बार ये बट यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना, ये आपको मैं बताता हूँ। फर्दर सेल हम कहाँ करेंगे, तो फर्दर सेल हम इसके नीचे करेंगे, अगर निफ्टी दिखाई देगी बैंक निफ्टी तो ही सेल करना है, अदरवाइज सेल करना है। तो फिलहाल आप ये छोटी मोटी रेंज के लिए ट्रेड करो, और कल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इसके और इसके अंदर टाइम पास करेगी, तो आप यहाँ पे थोड़ा इस ट्रेड के लिए खेलो इंडिया खेलो का गेम रखिए। ओके, और इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखें, जो मुझे नई अपॉर्चुनिटी देखेगी तो मैं वहां पे शेयर करता हूं, और मुझे अगर कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं आपको वहां पे डिस्कस करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा उसका व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी का। और ये जो अपॉर्चुनिटी मैंने आपको दी है, यानी ये जो सेटअप हमने समझा है, स्टडी करी है, इसमें अगर कोई अपडेट होगा तो वो भी मैं यहां पे देता हूं, तो आप इसको जरूर देखिए और समझिए। ओके, और इसके अलावा एक स्टॉक अगर मैं आपको दूं, तो स्टॉक में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि बुलिश स्टॉक, तो देखो सेम लॉजिक जो मैंने बताया वही लॉजिक आप एचडीएफसी बैंक में भी देख सकते हो, सेम चीज है। ओके, यहाँ पे हमें बाई करना है एचडीएफसी बैंक का, सिंपल फंडा है यहाँ पे इसके ऊपर जो कि है 1670 के ऊपर कहीं भी बाइंग का रिवर्सल मिले तो हमें बाई करना है, और पहला टारगेट हमारा हो जाएगा 1675 और 80 वाला, स्टॉप लॉस जो हो जाएगा हमारा छोटा सा 65 का, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 10 पॉइंट का टारगेट, ये बात याद रखो। इसके ऊपर निकलेगा तो बाई करना है। ओके, बट बाई कैसे करोगे, इसके ऊपर निकलने दोगे, नीचे आने दोगे, फिर उसके बाद जब ऊपर जाएगा तब बाई करना है, तो ये एचडीएफसी बैंक का है। तो ये जो प्राइस एक्शन मैं देता हूं आप एचडीएफसी बैंक आईसीआईसी बैंक इन दोनों में अप्लाई कर सकते हो बैंक निफ्टी वाला। ओके, सो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, और तो आप इसको जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो तो यहाँ पे आप अपने आंसर ले सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, और यहाँ पे डायरेक्ट आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, सो मैं यहाँ पे आपको हेल्प करूंगा। टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।